प्रूव करना है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए। कुछ नहीं, एलिमेंट्स को थोड़ा हेर फेर करके लिखा है, बाकी वही है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम प्रूव करेंगे जो हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ा ना, इसकी हेल्प से। इस वाले रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊँ तो इसमें है क्या, ये जो एक्स और एक्स इनवर्स है ना, ये एक ही टाइप के एलिमेंट है। इसकी जगह मैं ए और ए का इन्वर्स भी लिख सकता था, बी बी का इन्वर्स भी लिख सकता था, बीच में तो ए चला ही है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ए है तो ए और ए का इन्वर्स भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ ए को अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए ए इन्वर्स ए, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? ये और ये हमारे पास क्या, या फिर ये और ये भी हमारे पास क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए वही रहेगा, है ना। तो बेसिकली हमारे पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है, ध्यान से देखना है ना। ऑर्डर ऑफ ए बी मतलब इस वाले एलिमेंट की जगह मैंने ए बी लिखा है, तो आगे भी ए ए बी लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी ए, यहाँ पे ए बी था इसलिए मैंने ए बी लिख दिया। इसको देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी। बचा क्या, बी ए। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी ए।